नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल चेरी स्टाइल। आज मैं अपने जो घर का मंदिर है उसको डेकोरेट करने वाली हूँ। तो किस तरह से हम अपने मंदिर को डेकोरेट कर सकते हैं किसी भी फेस्टिवल या दिवाली के लिए। सो फ्रेंड्स, तो दिवाली आने ही वाली है और आप भी मेरी तरह अपने मंदिर को सजाना चाहते होंगे तो थोड़े बहुत आइडियाज आपको मिल जाएंगे। देख सकते हैं ये जो मंदिर है ये मैंने पंचकिया मार्केट से लिया है। पंचकिया मार्केट दिल्ली की बहुत ही फेमस मार्केट है। यहाँ पर आपको फर्नीचर, इस तरह के मंदिर, बेड्स वगैरह, सोफा, जो भी आप लेना चाहते हैं वो सब आपको मिल जाता है। और इसका मैंने पूरा एक वीडियो शेयर किया हुआ है, अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो उस दिन मैं लेने गई थी अपने घर के लिए मंदिर और मैंने उसमें मंदिर भी दिखाए हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। रामनवमी के दिन हम लोगों ने जो है अपने नए घर का गृह प्रवेश किया था, तब हम ये मंदिर लेके आए थे और उसी दिन हमको ये रिसीव हुआ है घर पे रामनवमी के दिन। और उस दिन हमने पंडित जी के द्वारा इस मंदिर का जो है स्थापना करवाया है और कुछ मैंने मूर्तियां ली थी उनकी भी हमने जो है स्थापना करवाई है। तो चलिए मंदिर को डेकोरेट करते हैं और वीडियो अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप मेरे चैनल में नए हैं और इस तरह की डेकोर वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए डेकोरेशन करते हैं। सो फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरह से मंदिर है, बहुत ही प्यारा है। इसमें आपको अलग अलग डिजाइन्स में आपको मिल जाएंगे और इसमें ना लाइट्स भी दी हुई है तो वो लाइट्स मैं आपको बाद में जला के दिखा दूंगी। इस तरह का मैं एक येलो कपड़ा रख लूंगी वाली हूँ, ये वाला लाल कपड़ा। मंदिर में लाल और पीला रंग बहुत ही अच्छा लगता है, ऑरेंज कलर, इस तरह के जो है मंदिर में काफी अच्छे लगते हैं। और ये मंदिर जो है व्हाइट है और इसमें हम जो भी कलर हम यहाँ पर रखेंगे ना बहुत ही सुंदर लगेंगे। तो यहाँ पर मैंने पीला और लाल कपड़ा रख लिया है। तो इसके बाद हम यहाँ पर, मेरे पास एक श्री यंत्र है, ये मैं हमेशा रखती हूँ तो यहाँ पर मैंने रख दिया है। यहाँ पर मैं इस तरह से नारियल है, इसमें मैंने पानी भरा हुआ है तो ये हम कलश यहाँ पे रख देंगे। ये मैंने जो है अमेजोन से लिया था, डेकोर पीस होते हैं ना तीन का सेट, वो है ये। तो इसको मैं यूज करने वाली हूँ यहाँ पर चौकी की तरह। तो जो मेरी मूर्तियां हैं भगवान जी की वो थोड़ा सा उनको हाइट मिल जाएगी इसलिए इसको हम कवर करेंगे। यहाँ पर मैंने लिया है एक लाल कपड़ा। मूर्ति है ये है हमारे रामचंद्र जी की मूर्ति है। तो मैंने जो पंचकुला मार्केट से मैंने जो मूर्तियां ली थी वो मैंने जो राम जी का दरबार होता है वो सेट में लिया है। और यहाँ पर है हमारी ये सीता मैया जी, तो इनको मैं रखूंगी। आप इस तरह से अपने जो भी आपके भगवान की मूर्तियां हैं वो आप रख सकते हैं। यहाँ पर है लक्ष्मण जी, ये है हनुमान जी और ये है मेरे नंद गोपाल। आपने देखा होगा जन्माष्टमी मैंने ये झूला लिया था तो ये मैं यहाँ पर रख लूंगी इस कॉर्नर में। रखने वाली हूँ ये गणेश लक्ष्मी की मूर्ति और ली है मैंने ये वाली, इस तरह की जो ये मिलती है ना, ये वाली आपको पूजा वाली शॉप में मिल जाएंगी इस तरह की। तो एक मैं यहाँ पे रख लूंगी, एक मैं यहाँ पे रख लूंगी, एक यहाँ पर इस तरह की चौकी है ये मैं इस कॉर्नर में रख लूंगी। मेरे जो ब्रास के गणपति, यहाँ पे जो भी मूर्तियां मैंने रखी है सारी ब्रास की है, ये वाली भी, ये गणपति जी है तो इनको भी हम यहाँ पर विराजमान करा देंगे। और यहाँ पर लगी है इस तरह की बेल, ये भी मैंने पंचकुला मार्केट से ली थी और ये ब्रास की है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से मैंने अभी लगा लिया है। तो भगवान जी को अच्छे से हमने जो है सियासत पर बिठा दिया है और इसके बाद हम करने वाले हैं डेकोरेशन। तो ये है तोरण जो मैंने लाजपत नगर मार्केट से लिया था और ये मुझे 100 रुपीज में मिला है। तो यहाँ पर मैंने सोचा है इस तरह से लगा दो मंदिर में। साइड से भी लगा लूंगी यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, तो मैंने कुछ इस तरह के जो है टी लाइट्स दिए या ये लिए हैं मैंने, काफी सुंदर लगती हैं इस तरह की, फिर हम इस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, आप देख सकते हैं मैंने येलो और रेड कलर के लिए हैं। इसको हम यहाँ पे रख देंगे, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं ये फूलों से डेकोरेशन। तो फूलों से आप अपने मंदिर को जितने ज्यादा आप फूल लगा सकते हैं आप लगाइए, जो कि फूलों से ही मंदिर बहुत ही सुंदर लगता है। कोशिश करें आप आर्टिफिशियल फ्लावर्स ना लगा के रियल फ्लावर्स आप लगाएं। तो यहाँ पर हम इस तरह से कुछ फ्लावर्स मैंने मंदिर में रख दिए हैं, हम लगाने वाले हैं यहाँ पे। इंस्टेंटली आपको बनानी है रंगोली तो ये बहुत ही अच्छा है, इस तरह से आप बना सकते हैं। Thank you.
कैसा लगा आपको आज का डेकोर वीडियो मुझे कमेंट करके बताना जरूर, और मेरा नया मंदिर आपको कैसा लगा वो भी मुझे जरूर बताइएगा। सो फ्रेंड्स, तो मैंने कुछ इस तरह से डेकोरेशन की है। दिवाली में कुछ और डेकोरेशन करूंगी, जो ताजे ताजे फूल होते हैं ओरिजिनल फूल उनका मैं यूज करूंगी। तो कोशिश कीजिएगा जो ये प्लास्टिक के आर्टिफिशियल फ्लावर्स है इनका मंदिर में यूज ना करें, आप बाहर कहीं पे भी आप लगा सकते हैं। और होप करती हूँ आपको कुछ आइडियाज मिले होंगे। एंड गाइस, इसी तरह की डेकोर वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन होगा उसको भी आप प्रेस कर लेंगे तो तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा आपको मेरी नई वीडियोस का। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट डेकोर वीडियो में, एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल माई फ्रेंड्स इन एडवांस। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, लव यू ऑल माई फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा।